ये कमेंट आप देख रहे हैं एक माँ है जिसको चिंता उठी कि बच्चे ने अचानक मूवमेंट क्यों बंद कर दिया तो जाहिर है कि प्रेगनेंसी में कभी ना कभी तो माँ को इस समस्या से इस उलझन से सामना होता होगा तो इसका क्या मतलब समझे इस कंडीशन में अगर आप आ जाएं कभी ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी तो आपको क्या करना है आइए सीखते हैं यूट्यूब ऑर्म चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं प्रेगनेंसी केयर के बारे में लेकिन चैनल पर आपको पोस्टमार्टम केयर 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 एंड बेबी से रिलेटेड जानकारियां भी मिलती हैं तो अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले को जरूर एक्सप्लोर करें कई बार ऐसा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है चौथे पांचवें महीने से तो माँ को बहुत आनंद आता है वो सभी को बताती हैं सभी पेट पे हाथ रख के उसको फील करते हैं कि बच्चे के मूवमेंट को फील करते हैं महसूस करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं लेकिन ये खुशी पल भर में दूर हो जाती है जब आपको पूरे दिन जैसे कि आज सुबह से लगाकर शाम तक बच्चे का आपको बिल्कुल मूवमेंट पता नहीं चला तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए बच्चे का मूड बच्चे का स्वभाव बच्चे की पोजीशन कई चीज़ें इसको निर्धारित करती हैं लेकिन अगर आपको एक दो दिन तक बच्चे का बिल्कुल मूवमेंट पता नहीं चल रहा है तो आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है आपका शुगर लेवल कैसा है कई बार बच्चा जब मूव नहीं करता तो हम प्रेग्नेंट मॉम को एक गिलास मीठा दूध आइसक्रीम या चॉकलेट खिलाते हैं जिससे कि एनर्जी इंस्टेंट मिलती है और बच्चा मूव करता है लेकिन ऐसा करने पर भी बच्चा अगर मूव नहीं करता है तो आपको ब्लड प्रेशर शुगर या आपको कोई इन्फेक्शन है आपकी कोई दवा चल रही है आप बीमार थे हाल ही में कोई अपने दवाओं का कोर्स ख़त्म किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी तबीयत भी खराब है प्रेग्नेंट माँ की तबीयत भी खराब है और उसे बच्चे का मूवमेंट नहीं लग रहा है तो उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए अगर दो दिन तक मूवमेंट नहीं लगता है अगर माँ की तबीयत ठीक है और बच्चे का मूवमेंट पता नहीं चल रहा तो एक से दो दिन तक उन्हें रिलैक्स करना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में सोना चाहिए लेफ्ट साइड या रिक्लाइन पोजीशन में सोना चाहिए जिससे कि बच्चा मूवमेंट कर पाए कई बार मॉम्स फील करती हैं कि जब वो कुछ खाती है कोई स्पेसिफिक फूड तब बच्चा बड़ा मूव करता है कई बार वो लेटती है तो बच्चा मूव करने लग जाता है तो उनको उस पोजिशन में रहना है देखना है की बच्चा मूव कर रहा है या नहीं आठवें महीने और नवे महीने में बच्चे के मूवमेंट कम्पेरेटिवली कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चा काफी वेट ले चुका होता है और ऐसे में बच्चे के मूवमेंट्स होते स्ट्रांग हैं लेकिन काउंट में आपको कम महसूस होते हैं तो ऐसे कंडीशन में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मॉम्स का एक्सपीरियंस है कि उनका बच्चा बहुत कम मूव करता है उसका पैटर्न ही वही है इस कंडीशन में ये बात लागू नहीं होती कि आज मेरा बच्चा मूव नहीं किया क्योंकि तो उनका बच्चा ऑलरेडी कम मूव करता है

वेट से डाइट से वजन ना बढ़ने से इन सब चीजों से परेशान है तो आपको हमारे वीडियो जरूर देखने चाहिए जिससे कि आपको घर बैठे बहुत आसानी से हेल्प मिलेगी और अपनी प्रेगनेंसी को आप काफी इंजॉय कर पाएंगी। विद अस। थैंक्स